मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जूलॉजी प्रैक्टिकल के इस लेक्चर में टीएस ऑफ ड्यूडेनम, पेनक्रियास, टेस्टिस और ओवरी के अनुप्रस्थ काट या टीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रहणी का अनुप्रस्थ काट या टीएस ऑफ ड्यूडेनम। ग्रहणी आंत का प्रथम भाग होती है, यानी इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके तीन भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुइनम और इलियम। इसी प्रकार से बड़ी आंत के भी तीन भाग होते हैं, सिकम, कोलोन और रेक्टम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये प्रथम भाग है, इसलिए ग्रहणी आंत छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। ग्रहणी की अनुप्रस्थ काट बाहर से अंदर की ओर अगर देखें तो उसमें भी चार स्तर दिखाई देते हैं। इसमें सबसे बाहर का पेरिडोनियम या सिरोसा और उसके नीचे मांसपेशीय स्तर और उसके नीचे म्यूकोसा और सब म्यूकोसा ये दिखाई देते हैं। उसके बाद सिरोसा या सिरोसा जो सबसे बाहर की परत है, जिसे पेरिडोनियम परत भी कहा जाता है, वो चपटी उपकला कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। उसके नीचे जो पाया जाने वाला पेशी स्तर है वो सिरोसा के नीचे होता है और दो परतों का बना होता है। बाहर की ओर आयाम या लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स होते हैं और अंदर की तरफ सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। ये एक ड्यूडेनम का लोकेशन है। ड्यूडेनम बेसिकली एक यू आकार या सी आकार की होती है, अल्फाबेट के सी के आकार की ये ड्यूडेनम होती है, जो आमाशय से शुरू होती है और जेजुइनम तक जाती है। इसी के अंदर ये लेवर की, लेवर से आने वाली ये बाइल डक्ट इसमें खुलती है और अग्नाशय से आने वाली अग्नाशय जो डक्ट है वो भी इसी के अंदर खुलती है। इसका ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो आमाशय का होता है वहां से शुरू होती है और उसके बाद में ये जेजुइनम तक यहाँ तक आती है। इससे इतने वाले सी मुड़े हुए भाग को ड्यूडेनम कहा जाता है या ग्रहणी कहा जाता है। इसकी टीएस अगर देखें तो उसकी टीएस के अंदर इसकी दीवार में ये चार परतें इस प्रकार से दिखाई देती हैं। इसमें सबसे ये इसके अंदर भी विलाई पाए जाते हैं, यानी अंकुर पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, गॉबलेट सेल्स और कॉलुमनर पिट पाए जाते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिवरकून पाए जाते हैं। इनमें मस्कुलरिस म्यूकोसा पाई जाती है, ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं जो म्यूकस का श्रावण करती हैं। इसके अंदर भी इन इनके ओवारों के अंदर गर्त के अंदर क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकून पाए जाते हैं। उन क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकून जैसे इंटेस्टाइन पाए जाते हैं उसी प्रकार से इसमें भी पाए जाते हैं। ब्लड कैपिलरीज, लैक्टियल सेल्स पाए जाते हैं और विलाई पाए जाते हैं। वृत्तीय जो पेशी होते हैं यानी सर्कुलर मसल्स होती हैं, उन पर की अपेक्षा करते अनुदैर्ध्य पेशियां जो है वो पतली होती है और उनके सिकुड़ने से आंत सिकुड़ जाने के कारण लंबाई भी छोटी हो जाती है और लंबाई भी छोटी और व्यास में बड़ी हो जाती है। लेकिन जबकि वृत्तीय जो पेशियां हैं यानी सर्कुलर मसल्स हैं, उनके सिकुड़ने से आमाशय का जो व्यास है वो तो छोटा हो जाता है लेकिन लंबाई बढ़ जाती है। सब म्यूकोसा जो है चौड़ी परत और विकसित होती है और ढीले संयोजी ऊतक की बनी हुई होती है। इसमें रक्त केशिकाएं, तंत्रिका तंतु, लिम्फ वाहिनियां, ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ डक्ट और ये न्यूरॉन्स वगैरह ये सब पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सबम्यूकोसा में अनेकों प्रकार की शाखान्वित ग्रंथियां भी होती हैं जिन्हें ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है म्यूकस स्रावी ग्रंथियां होती हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियां पाचक रस के कुछ भाग का श्रावण करती हैं जिससे पाचन में हेल्प मिलती है। म्यूकोसा ग्रहणी की सबसे भीतरी परत होती है जो ग्रहणी के अंदर गुहा को रेखित करती है। ये स्तंभी जो उपकला कोशिकाओं का एकाकी स्तर होता है। ये परत उंगली के समान वलनों में विभक्त होती हैं। इन उंगली के समान वलनों को विलाई या रसांकुर कहा जाता है। रसांकुर के बीच बीच में गहरे रिक्त गड्ढे होते हैं जिनको लिवर कुन के क्रिप्ट कहा जाता है। इसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें गॉबलेट सेल्स कहते हैं। ये म्यूकस और एंजाइम बनाते हैं। इन अंकुरों की संरचना स्तंभीय उपकला कोशिकाओं यानी कोलुमनर एपिथेलियम सेल्स की एक गहरी परत से बनी होती है। इससे भोजन पचता है और इसमें अवशोषण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं अग्नाशय की अनुप्रस्थ काट टीएस ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है हमारे शरीर के अंदर जो पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अग्नाशय जो होती है वो मिश्रित स्रावी ग्रंथि होती है, न केवल पाचन में बल्कि अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है, यानी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में भी ये भूमिका निभाती है। इसलिए इसको मिश्रित स्रावी या मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, जो एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन भी स्रावित करती है। इनमें दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, अग्नाशय ग्रंथियां और लैंगरहैंस की दीपिकाएं। अग्नाशय जो ग्रंथियां हैं वो एसिनी बनाती हैं, यानी गोल गोल इस प्रकार की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। उन कैनाल को टीएस में देखने पर उनको एसिनी कहा जाता है। उन कैनाल्स के बीच बीच में ये कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको लैंगरहैंस की दीपिकाएं या आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। अग्नाशय जो ग्रंथियां हैं वो शाखित होती हैं और एसिनी कहलाती हैं।
इनके सिरे फूले हुए होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एसिनी कूपिकाओं के ग्रंथिल कोशिका समूह होते हैं। इसमें एक पेनक्रियाज को बताया गया है, पेनक्रियाज ये येलो कलर का पेनक्रियाज है, नीम की पत्ती के समान इसकी संरचना होती है। इसके अंदर पेनक्रियाटिक डक्ट आकर के ड्यूओडेनम में खुलती है और पेनक्रियाटिक जूस का श्रवण करती है। इसी के पास में आकर के बाइल डक्ट भी आकर के बाइल जूस का श्रवण करती है। तो बाइल जूस और पेनक्रियाटिक डक्ट पेनक्रियाटिक जूस दोनों ही इस ड्यूओडेनम में आकर के खुलते हैं और पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टेस्ट ऑफ पेनक्रियाज में ये इसमें दिखाया गया है, इसमें एसिनर लोब्यूल्स दिखाए गए हैं, इसमें ये पेनक्रियाटिक सेल्स हैं और ये लोब्यूल्स हैं। इसमें इनके बीच बीच में ये कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं दिखाई गई हैं, जिसमें अल्फा बीटा और डेल्टा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं, इनसे अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन और डेल्टा कोशिकाओं से एक अन्य प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। प्रत्येक जो एसिनी है, एसिनी के बीच में रिक्त स्थान जो ल्यूमन कहलाता है, एल्बिनियो के एक दूसरे से पृथक करने वाले संयोजी ऊतक के पतले पट जिन्हें इंटरल्यूबुलर सेप्टम कहते हैं, वो दोनों को पृथक करते हैं। एसिनी की कोशिकाएं पाचक रस यानी अग्नाशय रस का श्रवण करती हैं। अग्नाशय कूपिकाएं के बीच बीच में विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनको लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। ये अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह होते हैं जिसमें से तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और तीन प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है जो रक्त शर्करा का स्तर बढ़ाता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है ग्लूकागोन, और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का श्रवण होता है जो रक्त शर्करा का स्तर कम करता है। तो दोनों ही हार्मोन एक दूसरे से एंटागोनिस्टिक नेचर के हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के हैं। एक ग्लूकोज स्तर को बढ़ा रहा है, दूसरा ग्लूकोज स्तर को घटा रहा है। तो दोनों ही हार्मोन ग्लूकोज रुधिर में ग्लूकोज के उपापचय को सामान्य रखने का काम करते हैं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, ये तो हम जानते हैं, डायबिटीज मेलाइटस यानी मधुमेह रोग हो जाता है। अग्नाशय में संयोजी ऊतक में कुछ रक्त कोशिकाएं का सघन जाल पाया जाता है जो उसको ब्लड सप्लाई करती हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं, वृषण का अनुप्रस्थ काट, टीएस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल के, मेल्स में वृषण पर बाह्य आवरण तंतु में संयोजी ऊतक का बना हुआ ट्यूनिका एलुजीनिया पाया जाता है। इसमें अनेकों लोब्यूल्स पाए जाते हैं जिसमें संयोजी ऊतक से घिरी हुई तमाम प्रकार की अनेकों सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स या शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। इनकी केंद्र नाल में, इन नलिकाओं की केंद्र नाल या सेंट्रल कैनाल के अंदर इन शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये टेस्टिस है, एक टेस्टिस का एलएस काटने पर ये इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें ये कुंडलित जो दिखाई दे रहे हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, इनके केंद्र में स्पर्म्स का निर्माण होता है और वो स्पर्म्स निकल कर बन करके और इसमें इकट्ठे होते हैं। ये एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस से होते होकर के और फिर सेमिनल वेसाइकल में इकट्ठे होते हैं। ये डक्टस डिफेंस के द्वारा और ये सेमिनल वेसाइकल में इकट्ठे होते हैं जहां से समय समय पर उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद अगर इसके टीएस देखें तो टेस्टिस की टीएस में एक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी टीएस में इस प्रकार से ये ट्यूब्यूल दिखाई देती है। इसमें सबसे बाहर की ओर ये परत दिखाई दे रही है, इसके अंदर बहुत सारी जर्म स्पर्म मदर सेल्स हैं जिन्हें स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। स्पर्मेटोगोनियम में ये विभाजन होते हैं, विभाजन के दौरान एक परिपक्व विभाजन होता है, फिर उसके बाद में मैच्यूरेशन डिवीजन और उसके बाद में इनमें स्पर्म का निर्माण होता है। इनके बीच बीच में, स्पर्मेटोगोनिया के बीच बीच में इनको पोषण प्रदान करने के लिए कुछ पैलिसेड टिश्यू के समान सर्टोली कोशिकाएं, बड़ी बड़ी विशाल आकार की स्तंभाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये सर्टोली सेल्स बढ़ते हुए शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। इस क्रॉस सेक्शन के अंदर ये टेस्टिस में दिखाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच बीच में कुछ संयोजी ऊतक भी दिखाए गए हैं। इस संयोजी ऊतक इसलिए दिखाए गए हैं कि इसके बीच बीच में कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें लीडिंग सेल्स कहते हैं जो हार्मोन स्रावित करने का काम करती हैं। यानी टेस्टिस से स्पर्म बनने के साथ साथ उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी निकलता है जिसे मेल हार्मोन कहते हैं जो जननांगों के विकास पर कंट्रोल करता है। शुक्राणु जनन कोशिकाएं जिन्हें स्पर्म मदर सेल कहते हैं वो शुक्राणु कोशिकाओं को उत्पन्न करती हैं और अंत में उनसे शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु जनन कोशिकाओं के बीच बीच में बड़े आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो सर्टोली सेल्स कहते हैं। शुक्राणु इनके सिर में के द्वारा इसमें धसे हुए रहते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं।
शुक्र जनन नलिकाएं संयोजी ऊतक अंतराली कोशिकाएं और रक्त वाहिनियां तंत्रिका तंतुओं के द्वारा ये घिरी हुई रहती हैं। अंतराली कोशिकाएं जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिंग सेल्स भी कहते हैं, उनमें उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है जो जननांगों, सहायक ग्रंथियों और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बनाए रखने का काम करता है। इस प्रकार वृषण केवल शुक्राणु ही नहीं बल्कि अंतःस्रावी ग्रंथि का काम भी करते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं अंडाशय का अनुप्रस्थ, टीएस ऑफ ओवरी। ओवरी मादाओं का प्रमुख जननांग ऑर्गन होता है। अंडाशय के बाहरी जो परत है वो टेस्टिस की तरह पेरिटोनियल स्तर का आवरण पाया जाता है उसके चारों ओर, और ये गनाकार कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसके नीचे जनन उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये अंडजनन कोशिकाओं के युक्त स्तर होता है। ये अंडजनन कोशिकाएं अंडे, बड़े बड़े अंडे उत्पन्न करती हैं। अंडजनन कोशिकाएं अंडे उत्पन्न करती हैं। अंडाशय में उपस्थित अवकाश स्ट्रोमा कहलाता है, यानी बीच में जो संयोजी ऊतक है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है वो तंतुमय और संवहनी संयोजी ऊतक से घिरा हुआ रहता है। ये अंडाशय का एक अनुप्रस्थ काट है जिसमें ये अंडाशय को दिखाया गया है। ये इसका जर्मिनल एपिथेलियम है जो सबसे बाहर की परत है जहां पर अंडजनन के द्वारा नणुओं का निर्माण होता है। ये एग्नेस्ट है, ये छोटे छोटे नणु विशिष्ट विभिन्न प्रकार की डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर ये दिखाए गए हैं। यहाँ आकर के ये बड़ा बन जाता है। बड़ा होने के बाद में इसको मैच्योर फॉलिकल कहते हैं, फॉलिकुलर सेल कहते हैं। ये फॉलिकुलर सेल फटने के बाद में, ये रप्चर करने के बाद में डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद में इसके स्थान पर, रिक्त स्थान पर जो टिश्यू बनता है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम से फिर बाद में धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है वो, और उससे कॉर्पस एल्विकेंस बनता है। एल्विकेंस धीरे डिजेनरेट होने के बाद में फिर नई कोशिकाएं बनाता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें भी डेवलपिंग फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल, इनको फॉलिकल्स कहते हैं। अंडाणुओं को फॉलिकल कहा जाता है क्योंकि इनके चारों ओर जो सपोर्टिंग सेल्स भी पाई जाती हैं सपोर्ट करने वाली, इसलिए इनको फॉलिकल कहा जाता है। ये सेकेंडरी ओसाइट की स्टेज में ही ये रिलीज हो जाते हैं। ये ओवम रिलीज्ड ओव्यूलेशन, ये सेकेंडरी ओसाइट की स्टेज में रिलीज हो जाता है, और उसके बाद में इसमें फेलोपियन ट्यूब जो होती है या अंडवाहिनी जो होती है उसके अंदर इसका फर्टिलाइजेशन होता है। ये एक विभिन्न स्टेजों में गुजरते हुए, विकास के विभिन्न चरणों में गुजरते हुए प्राइमरी फॉलिकल और ये प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल और फिर उसके बाद में ये ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो है सबसे बड़े आकार की होती है और ये अपनी चरम आकार पर पहुंचने के बाद में, फिर रप्चर होने के बाद में ये रिलीज हो जाती है वहां से। स्ट्रोमा जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं अंडाशय का, उसमें ओवा का, ओवम का यानी अंडों का विकास विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं और इनकी फॉलिकल्स के द्वारा ये घिरे रहते हैं। परिपक्व जो पुटिका है यानी मैच्योर फॉलिकल है उसमें तीन परतें होती हैं। सबसे बाहर की थीका एक्सटर्ना रेशेदार परत होती है और उसके बाद में नीचे होती है इसकी थीका इंटरना जो कोशिकीय परत होती है, और तीसरा स्तर होता है मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा। इसमें पुटक कोशिकाओं की जो फॉलिकल सेल्स की मोटी परत होती है, इन्हें ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। ग्राफियन फॉलिकल में अंडाणु या फॉलिकल कोशिकाओं के मध्य में तरल पदार्थ भरा रहता है, अवकाश होता है, उसमें तरल पदार्थ भरा होता है, उसे फॉलिकुलर फ्लूइड कहा जाता है। ये संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ा रहता है। ये ग्राफियन फॉलिकल जिसमें अंडाणु निकल जाता है उसके रिक्त स्थान पर पीले रंग का तरल कोशिकाएं भर जाती हैं जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम से कोशिकाएं, रक्त का थक्का बना होता है, रक्त का थक्का भी बनता है उससे, और ये जनन हार्मोन का श्रावण करते हैं। जनन हार्मोन जिसे एस्ट्रोजन का श्रावण करती हैं, जो जनन मादा में जननांगों के कंट्रोल करता है और फर्टिलाइजेशन पर कंट्रोल करता है, की क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। कॉर्पस ल्यूटियम के विभाजित होने पर, अपवासित यानी डिजेनरेशन के पश्चात एक श्वेत रंग का पिंड रह जाता है जिसे कॉर्पस अल्बिकेंस कहते हैं, और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। अंडाणु के निकल जाने के बाद में उसके निश्चित हो जाने पर कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है और कॉर्पस अल्बिकेंस की संरचना उससे बन जाती है। तो ये था अंडाणु वृषण के बारे में। थैंक यू वेरी मच।